चल रही थी जिसमें बात नहीं बनी है। प्रदेश में जारी रहेगी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले ही ये जो वार्ता है वो खत्म हुई है और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस वार्ता में बातचीत सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सरकार और डॉक्टर के बीच बातचीत बेनतीजा रह गई है। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब भी जारी रहने वाली है। तो राजस्थान के लिहाज से बड़ी खबर आपको बताएं, रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो लगातार प्रभावित हो रही थी और उसको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो अब मौजूदा दौर की जो वार्ता है उसमें कोई सकारात्मक नतीजा निकल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ था बातचीत के लिए, ये बातचीत बेनतीजा रही है। बातचीत बेनतीजा रहने का स्पष्ट मतलब यह है कि अब प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी रहने वाली है और जो परेशानियां जो दिक्कतें हो रही थी वो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जस के तस स्थितियों में रहेंगी। सरकार की तरफ से भी लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जा सके। रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से जो मांगे रखी गई थी, एक एक मांग पर सरकार की तरफ से लगातार गतिरोध खत्म करके कोशिश हो रही थी कि किसी सकारात्मक नतीजे की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन अचानक ये बात सामने आती है कि जो बातचीत हो रही थी, जो वार्ता चल रही थी वो बेनतीजा हो गई और कोई भी फायदा नहीं हुआ बातचीत का। और जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे बातचीत कर, आशुतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या कुछ वजह सामने आ रही है जो वार्ता बेनतीजा रही है, किन मुद्दों पर बात नहीं बनी? देखिए, हमारे साथ में जो जाट के प्रेसिडेंट हैं अजीत वाघड़ा वो जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि हड़ताल जारी रहेगी, आगे की जानकारी है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट समझा पाएंगे, इनकी स्थिति समझा पाएंगे, क्या कुछ वार्ता रही वो बहुत ज्यादा समझा पाएंगे। अगली आवाज अजीत वाघड़ा की। हेलो, देखिए, जो भी वार्ता हुई वो एक तरह से सकारात्मक नहीं रहा सरकार का रवैया, क्योंकि उन्होंने जो 15 दिन पहले का जो समय दिया था हमें वित्त विभाग से बात करने का, वही आज भी हमें वही आश्वासन दिया जा रहा है कि वित्त विभाग से बात करेंगे, वित्त विभाग से बात करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं ले रही है, सरकार मरीजों के हित में कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, क्योंकि रेजिडेंट हैं, एक महीने से आंदोलनरत थे, एक महीने से अपना एजिटेशन शो कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो विरोध था उसको देखते हुए रघु शर्मा जी का 15 दिन पहले जो सकारात्मक रुख रहा, लेकिन आज कोई भी सकारात्मक ऐसा क्रियान्वती नहीं हुई है, क्योंकि क्रियान्वती के हमें ऐसे वादा किया गया था, एक तरह से हमारे वादे को तोड़ा गया है। इसी वजह से हम आज इस कंडीशन पे पहुंचे हैं, मजबूरन हमें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। बातचीत का जो रास्ता है अब आगे क्या वो खुला रहेगा या फिर माना जाए कि अब हड़ताल पर ही पूरा फोकस रहेगा? नहीं नहीं, देखिए, बातचीत तो हमेशा वार्ता के द्वारा ही ऐसी समस्याओं का सुलझा किया जा सकता है, तो हम वार्ता का दौर जारी रखने के इच्छुक हैं जैसे भी हो, क्योंकि फाइनेंस से जो भी वित्त विभाग से अभी तक भी कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई है। तो हम रघु शर्मा जी से कहते हैं कि सभी लोगों के साथ बैठकर जो भी वार्ता करनी है, जैसे भी करना है, हमें आदेश चाहिए, हमें वार्ता का भी हमें कोई वो नहीं है कि वार्ता ही हो, हमें आदेश मिल जाएंगे, हम काम पर लौट जाएंगे। जो हमारी मुख्य मांगे तीन जो बची हुई हैं, फीस वापसी को लेकर और फीस वृद्धि की वापसी को लेकर है, और एक हाउस रेंट अलाउंस है, और एक साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कर, जो मुख्य मांग हमारी है, तीनों मुख्य मांगे हमारी इन पर टिकी हुई है। बिल्कुल, तो तमाम जो मुख्य मांगे हैं उसको लेकर आगे भी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। जो मरीजों को असुविधाएं हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार से अब भी उम्मीद है कि बातचीत होगी, वार्ता होगी और किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।